बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मिर्ज़ा अरसलान और आप देख रहे हैं मुग़ल ज़ास यूट्यूब चैनल। आज रमज़ानुल मुबारक का सातवां रोज़ है और आज मैं जो आपको अपडेट कर रहा हूं काकपुल इंटरचेंज इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, तो यहां पर जो है अर्थ वर्क, पहले तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जो पोर्शन कोहोटा रोड टुवर्ड्स रवात जाने वाली जो ट्रैफिक है, या फिर खन्ना पुल से कोहोटा रोड की तरफ एग्ज़िट जो नई रैंप बनाई जा रही है, इस पर वर्किंग आप देख सकते हैं काफ़ी जो वर्किंग है वो हुई है। तो ये जो नई लूप्स बन रही हैं उनके निशानात लग चुके हैं और यहाँ से ही जो ट्रैफिक है वो एग्ज़िट हो जाएगी सीधी कोहोटा रोड की तरफ। जबकि इस साइड पे अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जो हैं वो आ चुके हैं, जो यहाँ पर ये लगेंगे पुराने, यहाँ पे ये पोल्स जो हैं ये साइड पे किए जाएंगे, ये भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो वापडा भी अपनी वर्किंग यहाँ पे जो है शुरू करने वाला है इंशाल्लाह जल्दी। तो अभी आपको दूसरे पोर्शन की अपडेट करते हैं, ये वाला एरिया तो हो गया और अभी मैं आपको बाज़ार वाली साइड दिखा रहा हूँ। ये जो है मुकम्मल तौर पर शॉप्स गिरा दी गई थी और बाज़ार से ऊपर अगर आप देखें तो खन्ना पुल से जो रवात साइड पे ट्रैफिक जा रही है, ये जो है ब्लॉक है, यहाँ पर बिल्कुल स्लो स्लो जो है ट्रैफिक चल रही है क्योंकि यहाँ पर आगे जो है ये लाइनें दो हो जाती हैं तो इस वजह से रश बन जाता है। बाकी इसके बाद आगे चल के जो है DHA की बिल्कुल फ्रंट पर ट्रैफिक ओपन हो जाती है और वहाँ से जो है ट्रैफिक का मसला जो है ख़त्म हो जाता है। तो ये कंक्रीट लेयर यहाँ पर डल चुकी है पुल को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं आगे के एरिए में, तो बाकी इसके ऊपर जो मज़ीद कंक्रीट पेविंग होगी, सेकंड लेयर जो है डलेगी और साथ में इस साइड पे जो है एसफाल्ट होगा, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये भी जो है आपको क्लियर नज़र आएगा। बाकी पुल के ऊपर की वर्किंग आपको करीब चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्रेन वर्किंग कर रही है, तो स्टील वगैरह जो है ऊपर पहुँचाया जा रहा है, डेस्क स्लैब्स रेडी हो रही हैं, एक साइड पे जो गार्डर्स हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। खन्ना पुल टुवर्ड्स रवात आने वाली जो ट्रैफिक है उस पुल के ऊपर जो है गार्डर्स रेडी किए जा चुके हैं, तकरीबन चार गार्डर्स जो हैं एक स्पैन के ऊपर लगाए गए हैं और बाकी ऊपर जो है डेस्क स्लैब्स रेडी की जा रही हैं, साथ साथ वर्किंग जो है कम्प्लीट हो रही है। बारिशों की वजह से थोड़ी सी यहाँ पर वर्किंग स्लो हुई थी, अभी दोबारा से जो है अभी आप देख सकते हैं इतनी सख्त मतलब अभी धूप है और इसमें भी जो है रोज़ा रख के भी लेबर जो है यहाँ पर वर्किंग कर रही है, डबल शिफ्ट में काम हो रहा है यहाँ पर। जबकि ये नीचे वाला पोर्शन मैं आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं ट्रैक क्लियर है, मज़ीद गार्डर इस साइड पे नहीं आएंगे, अभी दूसरी साइड पे इंस्टॉल होना शुरू होंगे इंशाल्लाह से। जबकि ये अगर इस साइड पे देखें तो अपार्टमेंट भी बिल्कुल ये रेडी हो के ऊपर गार्डर आखिरी कोने तक आ चुके हैं, एक साइड पर ब्रिज पर जो है वो गार्डर इंस्टॉल हो गए, अभी इंशाल्लाह दूसरी साइड के ऊपर गार्डर इंस्टॉल होना शुरू होंगे। जबकि कोहोटा रोड का एरिया अगर आप देखें तो ये ट्रैफिक भी जो है कर्व होके जा रही है आगे और आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी आगे जो है ये एक जो है कलवट दी जा रही है, ड्रेन वर्क जो है वो चल रहा है। बाकी अगर आप तो दूसरी साइड पे दिखाऊं तो वो भी चलते हैं, ऊपर का एरिया भी दिखाते हैं आपको, पुल का जो वर्किंग चल रही है लेबर वर्किंग कर रही है वो भी आपको दिखा देते हैं करीब से चल के। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अपार्टमेंट जो कि रेडी है और ये गार्डर तो आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल हो चुके हैं, नीचे का होटा रोड का एरिया और ये यहाँ पर जो है आखिरी यहाँ पर वर्किंग होगी, ड्राइव वगैरह करके तो इसको क्लियर किया जाएगा, बिल्कुल इसके साथ मिला के आगे वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। अभी तो जो है ऊपर का ये वर्किंग चल रही है, गार्डर के दरमियान जो जोड़ डाले जाते हैं उनके ऊपर वर्किंग हो रही है और ये मैं आपको दिखाऊं तो तकरीबन 13वें स्पैन के ऊपर जो है वो डेस्क स्लैब रेडी की जा रही है, शटरिंग हो रही है, स्टील फिक्सिंग चल रही है, सामने वर्किंग आप देख सकते हैं। जबकि ये पूरा मतलब ब्रिज जो है ये क्लियर होने वाला है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह, इसी वीक के अंदर ये पूरा ब्रिज जो है वो रेडी हो जाएगा। बाकी इसका जो ऊपर का मतलब वर्किंग है साइड पे बैरियर्स वगैरह वो इंशाल्लाह रेडी होंगे, बाकी जो ऊपर डेस्क स्लैब्स का प्रोसेस है वो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट नज़र आएगा। बाकी गार्डर इंस्टॉल का जो प्रोसेस है वो दूसरी साइड पर इंशाल्लाह कल या परसों से शुरू हो जाएगा। और अभी मैं दूसरी साइड पर हूँ रवात टुवर्ड्स खन्ना पुल, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कोई भी फ़िलहाल गार्डर्स जो इंस्टॉल होना शुरू नहीं हुए, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जितने भी मतलब पिलर्स रेडी हुए हैं इनके ऊपर गार्डर्स जो है रखे जाएंगे, इंस्टॉल किए जाएंगे। जबकि कोहोटा रोड के साथ ही मतलब ये अगर आप देखें तो ये अपार्टमेंट वाल जो है ये रेडी हो चुकी है लास्ट पर, जहाँ पर ये गार्डर्स आके एंड होते हैं
तकरीबन 15 स्पान ही इसी साइड पे भी हैं, तो इंशाल्लाह इधर भी जल्दी गटर्स इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। बाकी ये साइड पे जो है रिटर्निंग वाल यहाँ पर बनी थी, ये तो पहले भी मैं आपको कई वीडियोस में दिखा चुका हूँ। यहाँ पर अर्थ वर्क जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, कंपेक्शन वगैरह साथ साथ जो है चल रही होती है, तो इस साइड पर ट्रैफिक का इतना ज़्यादा मसला नहीं है। बस जिस जगह पे ये कोहटा रोड की ट्रैफिक आके ऊपर लिंक आ रही है एक्सप्रेस वे पे, तो इस जगह पे थोड़ा सा मसला बन जाता है, बाकी आगे जो है ट्रैफिक स्मूथ चल रही है। बाकी जो एग्ज़िट रैंप है रोड टुवर्ड्स कोहटा रोड या कोहटा रोड टुवर्ड्स खाना पुल की तरफ जाने वाली जो ट्रैफिक है, तो उसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है, आगे ट्रेन्स रेडी हो रही हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी पोल्स इंशाल्लाह ट्रांसफ़र किए जाएंगे आने वाले टाइम में। वापडा भी अपनी वर्किंग शुरू करेगा, नई जो रैंप बनाई गई है इसके लिए उसके ऊपर भी वर्किंग साथ साथ चल रही है। ये ऊपर नर्सरी वाला एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है साथ में वाल रेडी हो चुकी है, तो ये मिड का पोर्शन जो है इसमें एक्सपेंशन चल रही है। तो पिछले दिनों बारिशों की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है आगे पानी खड़ा था कलवट के करीब, तो उसको जो है निकाला गया है आज और बाकी यहाँ पर एक्सपेंशन हुई है, खुदाई करके मतलब इसको गहरा किया जा रहा है, फिर इसमें अर्थवर्क होगा, बाकी कोहटा रोड के साथ इसको मिला दिया जाएगा, तो ऊपर जो है एस्फाल्ट करके ये एरिया भी क्लियर हो जाएगा। कुछ जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पोल और कुछ गैस पाइपलाइंस और बाकी भी कुछ जो है वायर्स आ रही हैं, नेट की केबल्स भी होती हैं, तो उनको भी जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सारी टीमें जो है अपनी अपनी वर्किंग कर रही हैं, इंशाल्लाह जल्दी जो है आपको ये एरिया भी क्लियर नज़र आएगा। अपना तक वर्किंग कम्प्लीट होनी थी लेकिन इस पर मज़ीद कुछ टाइम लग जाएगा, बारिशों की वजह से भी जो है वो स्लो हो जाती है वर्किंग, लेकिन इलेक्शन के बाद अभी वर्किंग थोड़ी सी स्पीड अप चल रही है। जबकि यहाँ से सीधा अगर आप देखें नेवल एनकरेज तक, मैं आज उस साइड पे तो नहीं चल रहा, यहाँ से ही आपको अपडेट कर रहा हूँ, तो ट्रैफिक जो है ये इसी मतलब ये जो अंडरपास है जापान रोड, तो यहाँ पर वर्किंग जो है चल रही है, ट्रैफिक बिल्कुल दूसरी साइड से होकर तो आगे जा रही है। वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट किसी दिन जो है अपडेट करेंगे आगे का जितना भी एरिया है। बाकी आज के एरिया में इसी एरिया की अपडेट करनी थी, बाकी अभी चलते हैं ऊपर जो कि रैंप बनी है एग्ज़िट रैम रोड टुवर्ड्स कोहटा रोड, उस पर भी देख लेते हैं क्या कोई मज़ीद वर्किंग हुई है ऊपर की तरफ। ट्रैफिक अगर आप देखें तो दूसरी साइड पे दोबारा से ब्लॉक हो गई है, तो ये जो है सारा दिन ये सिलसिला इधर चलता रहता है, अमूमन छुट्टी के टाइम जो है ज़्यादा मसला होता है, ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, तो आगे जाके जो है ये ओपन हो जाती है। बस इसी जगह पर ज़्यादा मसला आ रहा है काक पुल के ऊपर, तो इंशाल्लाह वर्किंग जैसे ही क्लियर होती है तो फिर जो है आपको ये ट्रैफिक का मसला भी क्लियर नज़र आएगा। और ये जो स्टॉप आपको नज़र आ रहा है मेन बस स्टॉप काक पुल का, कोहटा रोड की तरफ से आप खन्ना पुल की तरफ जाएं तो ये वाला स्टॉप है, तो ये जो है इस साइड पे ट्रांसफ़र हो रहा है आने वाले टाइम में, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये वर्किंग चल रही है, इस साइड पे इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। नई ड्रेन्स जो है वो बनाई जा रही हैं, जबकि इधर से ड्रेन्स जो है आके जाएंगी। वापडा ने भी यहाँ पर अपनी वर्किंग जो है स्टार्ट की हुई है, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जो है वो आए हुए हैं, साथ साथ वर्किंग चल रही है। ये वाले जो लाइट पोल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा दूसरी साइड पे। ये वाली रैंप लूप है कोहटा रोड टुवर्ड्स खन्ना पुल, और ऊपर से जो है ट्रैफिक एग्ज़िट होगी रोड टुवर्ड्स कोहटा रोड। अभी इस पर आगे जो वर्किंग हुई है वो चल के दिखाते हैं आपको। और ये ट्रेन्स भी आप देख सकते हैं रेडी की जा रही हैं, यहाँ से जो है आगे जाएगा, मतलब ये सारा पानी ऊपर का जो आ रहा है ड्रेन्स रेडी हो रही हैं, जबकि ये वाल अगर आप देखें तो पिछले दिनों होने वाली बारिशों से जो है बैठ गई है, थोड़ी सी डैमेज हुई है इस साइड से, तो इसको भी बाद में जो है दोबारा से बनाया जाएगा। ये वाला एरिया जो है आप अगर देखें तो यहाँ पर पानी का भी प्रेशर होता है ऊपर से, इस वजह से जो है ये दीवार फिलहाल वर्किंग कम्प्लीट नहीं हुई थी, तो ये दोबारा से अभी बनेगी, ये बैठ चुकी है। जबकि इस साइड पे भी जो है आप देख सकते हैं ड्रेन्स जो है वो रेडी हो रही हैं, जबकि ये वाला ट्रैक जो है इसको कंप्लीट किया जा रहा है एग्ज़िट रैंप को, बाकी आगे तक जो है वर्किंग चल रही है। तो इंशाल्लाह ये बीच में जो भी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आ रहे हैं ये आने वाले कुछ दिन तक जो है साइड पे कर दिए जाएंगे, फिर जो है आपको ये वर्किंग क्लियर नज़र आएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।